देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, वैट को ऑन करना पड़ेगा। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। पहले हमारे यहाँ जीएसटी नहीं लगा करती थी तो वैट ही लगा करता था, ठीक है। लेकिन वैट हर प्रोडक्ट पे लगता नहीं था, और लगता था तो उसमें बहुत सारी चोरियां हो जाती थी, तो जीएसटी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट को लंबा चौड़ा मुनाफा होता है, लेकिन वैट में उतना नहीं हो पाता था। तो यहाँ पर जीएसटी चालू नहीं रहेगा, इसको ऑफ कर देंगे, और ये टीडीएस ऑन है तो इसको भी ऑफ करते हैं। वैट हम चालू करेंगे, ये लिखा हुआ है ना, इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, इसको हम ऑन करेंगे। तो ये ऑन कर दिया। अभी भी वैल्यू एडेड टैक्स जो है यूएई, सऊदी अरब, इस तरह के कंट्रीज में वैट लगता है, ठीक है। इस तरीके से वैट को चालू कर लीजिएगा, और चालू करके कंट्रोल ए कर लीजिएगा। तो कंट्रोल ए हो गया। अब हमको वैट की एंट्री पास करनी है, तो चलिए परचेज में पास करते हैं, फिर सेल्स में पास करके देखेंगे इसी को। तो यहाँ पर ये वैट हो गया। अब यहाँ पर सप्लायर द्वारा प्राप्त जो बिल है उसकी एंट्री के लिए यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर आ जाएगा, यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग, और यहाँ पर आएगा डेट क्रेडिटर पार्टी का लीजर। तो एक क्रेडिटर पार्टी हमारे पास गौरव, ये हम बना लेते हैं, ठीक है। और इसका ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर का, क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, और यहाँ पर ये डिटेल वगैरह भर लीजिएगा, और एंटर करते हुए यहाँ पर सेम स्टेट का मामला है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये दिया गया है वैट अल्टर, तो अल्टर वल्टर छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए यहाँ से, ठीक है। एंटर करते हैं, सारा डिटेल भर लीजिएगा आप, ठीक है। और यहाँ इंडोर्समेंट डेट, डिपॉट डेट, ये सब आ जाएगा। यहाँ पर आएगा परचेज का लेजर, PURCHASE, परचेज अकाउंट करेंगे इस तरीके से, और इसका ग्रुप होगा परचेज अकाउंट, ठीक है। तो ये परचेज अकाउंट डाल करके फिर एंटर करके और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर लगेगा एक प्रोडक्ट पे जीएसटी, सॉरी वैट, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सन ग्लासेस, सन ग्लास, ठीक है। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। अब यहाँ पर क्या यूनिट बनेगा, तो सन ग्लास क्वांटिटी में बिकेगा तो नंबर्स में बिकेगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे सिंबल डाल देते हैं एनओएस, और फॉर्मल नेम इसका हो जाएगा नंबर्स। तो ये हो गया नंबर्स। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई 1.5 सन ग्लास खरीदेगा, 2.75 खरीदेगा, 2.75 खरीदेगा, खरीदेगा तो 2 3 4 होल अमाउंट में खरीदेगा। तो यहाँ पे 0 ही रख करके एंटर कर देते हैं। यहाँ पर अलग से अगर आप वैट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग से वैट लगाना हो तो लगा सकते हैं। तो अगर हम चलिए यहाँ पे अलग से लगा देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 0% अभी दिया हुआ है, ठीक है। मैंने वहां पर पूरा परसेंट नहीं लिखा था, जिसके वजह से कई बार ये भी गलती होती है कि आप वहां पर नहीं देंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं 5% रख देता हूँ टैक्स रेट वैट, और एडिशनल टैक्स की बात आए तो 1% रख देता हूँ एडिशनल टैक्स, ठीक है। अब एंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट कराते हैं। यहाँ पर आएगा तो मान लीजिए कि हमने 6 सन ग्लासेस परचेज किए, ठीक है, और एक सन ग्लास कितने का पड़ा, 30 रुपये का पड़ा, ठीक है। खरीद रेट 30 रुपये का पड़ा। और यहाँ पर आएंगे तो अब यहाँ पे वैट का एक लेजर बनेगा, तो अल्ट सी करके एक वैट का लेजर बना लेते हैं। वैट एट द रेट 6% लिख देता हूँ, ये भी पता रहेगा कि 6% लगा हुआ है, ठीक है। एंटर किया, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर लीजिएगा। और यहाँ पर आकर के ये क्या है, ये तो है वैट, ठीक है। और वैट 5% लग रहा है जी, एडिशनल टैक्स का 6% है, तो यहाँ पे वैट एट द रेट 5% कर दीजिए। हाँ तो ये हो गया, और ये इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे आएंगे तो ये नॉर्मल राउंडिंग हो जाएगा, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो 9 रुपया इस पे वैट आ गया है। अब एडिशनल टैक्स का एक लेजर, तो यहाँ पे एडिशनल टैक्स, ठीक है, एट द रेट कितना परसेंट, 1%, 1% कर दिया, ठीक है। एंटर किया, एंटर किया, और ये एडिशनल टैक्स है, ठीक है। एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पर आएंगे, नॉर्मल राउंडिंग रख के आगे बढ़ेंगे और इसे एक्सेप्ट कराएंगे। तो यहाँ पे दोनों टैक्सेस कैलकुलेट हो गए हैं। यहाँ पर आप चाहे तो नरेशन डाल सकते हैं, ठीक है। द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, URCHASED, ठीक है। एंटर करके एक्सेप्ट कराइए और यहाँ से बाहर आ जाइए, और यहाँ पे के प्रेस कीजिए, और यहाँ पे एंटर करिए, अल्ट पी करिए, एंटर करिए, और आई बटन प्रेस कीजिए, ठीक है। इस तरीके से करिए, तो ये देखिए ये इस तरीके से कुछ कैलकुलेट हुआ है, देख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत इसमें हो तो बताइए, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी चीज को सेल्स में करना है तो कैसे करेंगे, तो सेल्स में करना और आसान है। अब तो आपका लग गया सारा कुछ, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सेल्स में सीधा सीधा हो जाएगा ये। तो ये सेल्स में आए, यहाँ पर आए, रेफरेंस नंबर डाला, एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पर आएगा, चलिए हम कैश कर देते हैं इस बार, ये कैश कर दिया है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, तो
एंटर करेंगे और यहाँ पर एक सेल्स का लेजर बनेगा, तो यहाँ सेल्स का लेजर बना डालते हैं, ये जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट में डाल दिया इसे, एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराया और यहाँ पर वो प्रोडक्ट आएगा। जैसे सनग्लासेस था हमारा, तो सनग्लासेस ले लिया हमने, 5 हमने सेल कर दिया, एक की खरीद बिक्री रेट 120 रुपया रखा, तो 600 रुपये का कुल सामान बिक गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे अब वैट आएगा, तो ये वैट लगा दिया, तो 30 रुपये इस पर वैट लग गया, उसी के हिसाब से एडजस्ट हो गया, और ये एडिशनल टैक्स है तो एडिशनल टैक्स भी लग गया, और इस तरीके से आपका बिल ये बन जाएगा। अब इसका बिल कैसा दिखेगा मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से एंटर करेंगे, अल्ट पी करेंगे, एंटर करेंगे और आई बटन प्रेस करेंगे, तो इसका बिल दिखाई पड़ेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बिल जनरेट हुआ है, देख लीजिए सारा कुछ लगा हुआ है ना, कहीं कोई दिक्कत है? ठीक है।